हे hey दोस्तों, स्वागत है आपका क्यार टेक टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज क्यार टेक टेक्नोलॉजी को लाइक कीजिए और हमारा फेसबुक ग्रुप क्यार टेक टेक्नोलॉजी को ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्यार टेक टेक्नोलॉजी के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7 लेने वाले हैं, जो स्केचर की एक्सरसाइज है। हम जल्द से जल्द स्केचर के पूरे एक्सरसाइज ख़त्म करने वाले हैं और उसके बाद में हम पार्ट मॉडलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। न्यू आइसोमेट्रिक पार्ट, इसमें हम ये दो एक्सरसाइज ये सेशन में हम आज निकालने वाले हैं। स्केच फ्रंट, चलिए हम डायमेंशनिंग देखते हैं इसकी। तो हम पहले दोस्तों इसे सिमेट्रिक कर लेंगे। उसके बाद में उसका टोटल डायमेंशन दे देंगे 240। के बाद में ये 4 है, 40। ये 30। और उसकी हाइट हम दे देंगे 30। सेम चालीस एम एम रेडियस और 80 एम एम रेडियस के सर्कल। डायमीटर 160 डायमीटर। उसका सेंटर डिस्टेंस है 170 और इसकी हाइट है 140। हम इसको इससे कनेक्ट कर लेंगे। हम ट्रिम कर लेंगे, अभी हम फ्लेट का यूज करेंगे। यहाँ पे फ्लेट है 10।
दोस्तों ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 7। इसे सेव कैसे करना है ये आपको पता है। अब हम लेंगे एक्सरसाइज 8, 136 का सर्कल। आइसोमेट्रिक पार्ट स्टेज फ्रंट प्लेन वन थर्टी सिक्स डायमीटर। इसके बाद में हमें लेना है 571 और 590 का सर्कल। पहले हम सेंटर लाइन निकालेंगे। सेंटर लाइन के पॉइंट कनेक्ट कर देता हूँ 90 और 71। कंस्ट्रक्शन मोड ऑफ। ये हो गए बीच का डायमेंशन है 18। मैं भी
थैंक यू दोस्तों, ऐसे हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल कैट टेक टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेस कैट टेक टेक्नोलॉजी को लाइक, हमारे फेसबुक पेज कैट टेक टेक्नोलॉजी को लाइक कीजिए और हमारा फेसबुक ग्रुप कैट टेक टेक्नोलॉजी को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू दोस्तों।